इंडिया के जो एटीट्यूड है इस वक्त, वो उनके इंटेलिजेंस हेड दोवल साहब ने भी बहुत दफ़ा बताई है कि छोड़ेंगे नहीं, अब बहुत हो गया है, अब बदले लेंगे हम, और ये पाकिस्तान होता कौन है, और गिलगित बल्तिस्तान भी हमारा है, बलूचिस्तान के भी जिक्र वही करते हैं। ये है वहाँ के जर्नलिस्ट और ये कह रहे हैं कि हमें इंडियन NRI, हमें इंडियन पासपोर्ट इशू कर दिया जाए। कश्मीर के एक्टिविस्ट हैं, ठीक है, ये पाकिस्तान के पासपोर्ट को बड़ा जलील कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इंडिया ने तो बहुत डेवलपमेंट कर दिया, हम अब भी यहाँ पर मर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। पहले वजीर दफा ख्वाजा आसिफ की जानिब से बयान सामने आया कि पाकिस्तान अफगानिस्तान की भारत के साथ तजारती रादारी बंद कर सकता है, और अब वजीर खारजा इसहाक डार की तरफ से बयान सामने आया है कि कारोबारी अफराद चाहते हैं कि भारत के साथ तजारत बहाल हो। कभी उसके मुंह से कहलवाते हैं, कभी उसके मुंह से कहलवाते हैं। अच्छा, फिर वो इनका मामला पाकिस्तान वालों का ये भी होता है जैसे खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाला मामला, जब भारत की तरफ से किसी किस्म का ऑफिशियल रिएक्शन नहीं आ रहा तो फिर ये क्या करते हैं। और ये भी बताऊं आपको कि जो उनके फॉरेन मिनिस्टर है जयशंकर साहब, वो तो खुल के बात करते हैं, वो तो कहते हैं ये हमारी पॉलिसी है, वी विल नॉट लेट पाकिस्तान गेट अवे विद दिस। तो अब ये जो हमारी तरफ से बातें होती है जी तजारत खोल दे, ये कर दे, वो कर दे, इंडिया इस वक्त नरेंद्र मोदी का इंडिया इज नो मूड टू डू दिस। इंडिया में तो वो अपने सपोर्ट में ही चीजें दिखाएंगे, क्योंकि ये मीडिया की बात होती है। हमारे मीडिया को छोड़ दिया, आप गल्फ न्यूज उठा लें, मुसलमानों का न्यूज है ना, आप तो वो वहां पर दिखा लें, आपको पता लग जाएगा, आप देख लेंगे कितनी डेवलपमेंट हो रही है। खित्ते में जहां हम रह रहे हैं ये एक बड़ा टर्माइल ज़दा एक खित्ता है, और इसके इर्द गिर्द एक तरफ इंडिया है जो कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता, और वो ट्रेनिंग करता है बलूचिस्तान में भी। अल्लाह लेनान, मैं उसका धन्यवाद, उसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उसे वो पाकिस्तान मोदी का, हाँ नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो हमें दुश्मन समझता है यार, किसी कैटेगरी में लाता तो है, ठीक है ना, ये थोड़ी बात है, कहाँ एक इलाके का चौधरी, कहाँ फकीर, ठीक है। यहाँ पर तकरीबन सारे यानी कि लीगलाइज काम जो इंडिया और मुस्लिम्स का हमारे में नहीं है वो उन्होंने वहाँ पर लीगलाइज किया, क्यों, ताकि वो उसको अपने पूरे कब्जे में कर सके। था पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, हिना रबानी खान साहब आवाज़ फॉरेन मिनिस्टर थी, उस वक्त पाकिस्तान को इंडिया ने मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा दिया हुआ था, तो हमने उसको रेसिप्रोकेट करना था, हमने भी देना था, तो उस वक्त उनको मैसेज आ गया उस वहाँ से एस्टेब्लिशमेंट का, नहीं जनाब अभी आपने कुछ नहीं करना, आपने मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा नहीं देना इंडिया को, उन्होंने दिया हुआ दिए रखे। तो जहाँ पे अब चीज़ें ठीक होने लगती हैं तो हमारी एस्टेब्लिशमेंट दरमियान में आ जाती है, वो कहते हैं सिक्योरिटी इशू से पहले वो ठीक करेंगे फिर ट्रेड करेंगे। नरेंद्र मोदी ने अपना 7 साल का प्लान कश्मीर के हवाले से इशू किया है। होम मिनिस्टर अमित शाह ने एक मैगजीन को, एक पेपर को इंटरव्यू देते हुए तफसील से बताया है कि इस अरसे में जम्मू कश्मीर के अंदर क्या क्या डेवलपमेंट्स होंगे, साथ ही साथ ये भी बताया है कि इंडियन ट्रूप्स को, इंडियन आर्मी को मुकम्मल तौर पर कश्मीर से बाहर निकाल दिया जाएगा, कश्मीर की पुलिस को ट्रेन किया जाएगा ताकि वो प्रोटेक्शन करे, इंडियन ट्रूप्स को बाहर निकाल दिया जाएगा कश्मीर से। इसके अलावा एक और खबर सामने आ रही है, आज़ाद कश्मीर के एक एक्टिविस्ट, एक जर्नलिस्ट, उनकी वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, जिसमें वो क्लियरली कह रहे हैं कि पाकिस्तानी पासपोर्ट, पाकिस्तान की शनाख्त हमारे लिए बाइस जिल्लत है, इंडिया को चाहिए कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन पर अमल करते हुए लीगल एक्शन लेते हुए हमें NRI इशू करे, साथ ही साथ हमें इंडियन पासपोर्ट दे, बिकॉज वी आर लीगली द पार्ट ऑफ इंडिया, वी आर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, ऐसा कहना है आज़ाद कश्मीर के एक्टिविस्ट सज्जाद रजा का। उन्होंने अपील की है भारत से और ये भी बोला है कि 1947 में जो पेपर ऑफ एक्सेशन महाराजा ने साइन किए वो इंडिया के साथ साइन किए, तो लीगली हम इंडिया का पार्ट है, हमें उनकी शनाख्त चाहिए, हमें उनकी आइडेंटिटी चाहिए। बढ़ते हैं आवाम की जानिब, इस खबर के बारे में बताते हैं कि हमारा कश्मीर हमसे टूटना क्यों चाह रहा है, एक्टिविस्ट खड़े होकर खुद भारत की तरफ जाने का कह रहे हैं, इंडियन पासपोर्ट हासिल करने का कह रहे हैं, और दूसरा ये जो इंडियन ट्रूप्स को हटाने का फैसला लिया गया उसके बारे में आवाम क्या राय रखती है। देखिए पाकिस्तान की अगर कश्मीर की बात की जाए तो वो एज़ कम्पेयर टू इंडिया के कश्मीर इतनी बुरी सिचुएशन जो है वो नहीं है। अच्छा। इंडिया में जो कश्मीर है, मकबूजा कश्मीर, उधर तो बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है लोगों पर, जिस तरह उन पर शेलिंग हो रही है, जुल्म किया जा रहा है उनको, हम केसेस काफ़ी हमने रेप के भी सुने हैं। अच्छा। ज्यादतियाँ भी हो रही हैं काफ़ी ज़्यादा। अच्छा। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी तरफ से अगर ऐसी स्टेटमेंट आ रही है तो काफ़ी ज़्यादा ये बुरी बात है, एक एक बुरा इम्पैक्ट जा रहा है इंटरनेशनली। आपको पता है अगर हम भारत की बात करते हैं, मोदी सरकार की बात करते हैं, $14 बिलियन का बजट अभी रिसेंटली उन्होंने नाफिज किया है कश्मीर पे, आपने कभी सुना है हमने आज़ाद कश्मीर पे कोई बजट नाफिज किया हो? आप कह रही वहाँ शेलिंग हो रही है, वहाँ शेलिंग नहीं, वहाँ इन्वेस्टमेंट हो रही है, दुबई की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट हो रही है वहाँ पर, इमार ग्रुप की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट हो रही है वहाँ पर, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया जा रहा है, तालीम पर बजट लग रहा है, अब क्या करें, ये जुल्म है। तो मैं कहती हूँ कि ये जुल्म पाकिस्तान में भी होना चाहिए। देखिए ये डिपेंड करता है कि वो अपने लोगों पर ये खर्च कर रहे हैं, ठीक है, हिंदुओं पर, हाँ जी ये अपने लोगों पे खर्च करें। अगर हम मुस्लिम की बात करें तो मेरा नहीं ख्याल वो मुस्लिम को इतना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे फाइनेंशियली। अगर और अगर हमारी बात करें तो हम लोग तो ऐसा कुछ कर ही नहीं रहे क्योंकि हम लोग ऑलरेडी मकरूज हैं। जम्मू कश्मीर की मुसलमान लड़कियाँ बड़े बड़े नाम है, याना मीर का एक बहुत बड़ा नाम है जिसको पूरी दुनिया जानती है, रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस में उन्होंने पाकिस्तान को धोया, आप
वीडियो देखिएगा, आपको पता लग जाएगा कि उन्होंने हमारे लिए क्या अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। वहाँ की मुस्लिम लड़कियाँ आज खड़ी होकर पाकिस्तान को जवाब दे रही हैं, तरक्की दिखा रही हैं, जर्नलिस्ट हैं। अगर हम अपने कश्मीर की बात करते हैं, हमारे कश्मीर में मीडिया अलाउ नहीं है, और जम्मू कश्मीर का अगर इंडियन कश्मीर की बात करते हैं, उनका मेन स्ट्रीम मीडिया भी है। ये क्या चक्कर है? देखिए, हमारे यहाँ पर फ्रीडम नहीं है, ना मीडिया को फ्रीडम है, ना लोगों को बोलने का कोई हक है। यहाँ पे जर्नलिस्ट को पकड़ लिया जाता है, अरेस्ट कर लिया जाता है। तो मेरे ख्याल है कि ये जब चीज़ें होती हैं ना, तो आप लोगों की फ्रीडम जो है ना, एक तरह से गायब हो जाती है। तो ये बहुत बुरा इंपैक्ट जाता है इंटरनेशनल, तो इस बारे में सोचना चाहिए हमारी गवर्नमेंट। दुनिया जो है वो इंडियन कश्मीर को एडमायर कर रही है, प्रेज़ कर रही है कि वाह यार, कश्मीर का नक्शा बदल दिया है, बड़ी तरक्की हो गई है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखें, ये तो बात है कि इंडिया जो है ना, एक डेवलप्ड स्टेट है, ठीक है ना, हाँ जी, डेवलप्ड कंट्री है। तो और अगर हमारी बात कीजिए तो हम अभी अंडर डेवलप्ड हैं। तो इस हिसाब से दुनिया अगर कह रही है तो वो ठीक ही कह रही है, क्योंकि हमारी सिचुएशन एज़ कम्पेयर टू इंडिया बहुत बुरी है। इंडियन कश्मीर के क्या हालात है? उन्होंने ये भी कहा है कि अगले 7 साल में हम इंडियन आर्मी टोटली वहाँ से हटा लेंगे। कश्मीर का शुरू से एक मसला रहा है कि हमेशा पाकिस्तान और इंडिया की जंग रही है कि कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है। लेकिन कश्मीरियों का अक्सर जो मेन पॉइंट है, वो कहते हैं हमें खुद आज़ाद किया जाए, हमारा एक अपना मुल्क। वो ना पाकिस्तानियों के साथ जाना जाते हैं, ना वो इंडियन के साथ जाना चाहते हैं। अगर हम वहाँ के कश्मीरियों की बात करते हैं, भारतीय कश्मीरियों की बात करते हैं, उन्होंने घंटा घर पर भारत का झंडा क्यों लहराया? फिर देखा जाए कि अगर जम्मू कश्मीर की बात करें, कि जम्मू कश्मीर में हालात मुसलमानों के लिए जो हमें दिखाई जा रहे हैं, वो बहुत बुरे हैं। जैसे वहाँ पे लॉकडाउन है, ना इंटरनेट है, ना कुछ, ना बच्चे स्कूल जा सकते हैं, ना कोई इंसान वहाँ पे कारोबार नहीं कर सकता। बात है 1947 से पिछला दौर हमें दिखाते हैं। अभी मैं आपको बताऊँ, आप मेरा चैनल खोल लें, इंडियन कश्मीरियों की भरमार लगी पड़ी है इंटरव्यूज़ की। 5G वो लोग इस्तेमाल करते हैं, 4G हमारे पाकिस्तान में नहीं आता, बॉर्डर के ऊपर रहकर वो 5G इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रिक ट्रेन्स में वो बैठते हैं, हमारे सर में जूते मारते हैं। वही तो मैं कह रही हूँ कि जो हमें दिखाया जा रहा है मीडिया, वो हमें दिखा ही नहीं रहा कि वहाँ पर असल स्टोरी है क्या। इसके लिए हमें मीडिया में नहीं, हमें अपनी जदोजहद से करना चाहिए कि हमें वहाँ पर उठ जाके इंटरेस्ट लेना पड़ेगा कि आइंदा के हमारे मुल्क में क्या हो रहा है। हमारे मुल्क में नहीं, मैं इंडियन कश्मीर की बात कर रही हूं। इंडियन कश्मीर में क्या हो रहा है, हमें खुद कोशिश करनी पड़ेगी। मीडिया शुरू से ही, स्टार्ट से ही करता आ रहा है कि हमेशा नेगेटिव पॉइंट दिखाता है, पॉजिटिव पॉइंट हमेशा उसके बहुत कम होते हैं। कहा है कि 7 सालों में हम इंडियन ट्रूप्स को भी हटा लेंगे वहाँ से, जम्मू कश्मीर की जो अपनी पुलिस है उसको हम अच्छे से गाइड करेंगे, अच्छे से ट्रेन करेंगे, और इंडियन आर्मी को वहाँ से निकाल लेंगे, इस बारे में क्या कहेंगे? देखेंगे कि अगर सिर्फ कहने से कुछ नहीं होता, करके भी दिखाना होता है। इन्होंने ऑलरेडी बहुत सी आर्मी को हटा भी लिया, बहुत सी आर्मी को हटा दिया, लेकिन अगर कश्मीर हमेशा से पाकिस्तान की ही जगह रही है। हाय हाय हाय, कैसे? इसको आप पहले एक्सप्लेन करें। क्योंकि कश्मीर को, आप भी मैंने आपसे बात की, कश्मीर को हमेशा पाकिस्तान का स्विट्जरलैंड माना जाता है, और कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा ही है। और तो हम कहते हैं ना, कश्मीर थोड़ी कहते हैं, या है थोड़ी, तो कह रहे कश्मीर जाता है कि हमें खुद एक अलग, हमारा एक अपनी रियासत हो। जैसे कि केपी की आवाम की भी ये कहती थी, और जैसे कि फाटा की आवाम कहती है कि हमें भी पाकिस्तान के सूबों में शामिल किया जाए। और आपको पता, गिलगित कह रहे हैं हमें अलग करो, बलोचिस्तान कह रहा है हमें अलग करो, कौन कह रहा है हमें पाकिस्तान में शामिल करो? वो आप जो पाकिस्तान के हालात देख रहे हैं, वो तो पाकिस्तानी भी जाते हैं कि हमें पाकिस्तानी से जुदा कर दिया जाए। पाकिस्तानी भी जाते हैं कि हमें पाकिस्तान से जुदा कर दिया जाए। आपने बोला है कश्मीर पाकिस्तान का लैंड है, हिस्सा है, इसको पहले एक्सप्लेन करें, कैसे लैंड है, कैसे हिस्सा है? अगर हम बात करते हैं, जब हम अलग हुए थे हिंदुस्तान से, यूनाइटेड इंडिया से जब हम अलग हुए थे, कश्मीर ने कब कहा कि हमने पाकिस्तान के साथ जाना है? वो हमेशा हमें जो ये दिखाया गया है कश्मीर, वो क्योंकि इंडिया ने कहा था कि हम वोटिंग करवाते हैं, जिसकी तरफ आवाम की वोटिंग ज़्यादा होगी हम जाएंगे। लेकिन वोटिंग उन्होंने पाकिस्तान, वोटिंग जो थी वो मिक्स थी, लेकिन कल जो थे वो क्लियरिटी के साथ नहीं दिखाए कि वो कब हुई थी। अक़्वामे मुत्तहिदा ने वोटिंग के लिए, रेफरेंडम के लिए एक चार्टर पेश कर दिया है, हम उसका पहला रूल नहीं मान सकते, क्योंकि उसका पहला रूल ही पाकिस्तान पर अप्लाई होता है। आप क्या करें, आप क्या करें? और ये वोटिंग कब हुई है जो आप कह रहे हो? जो हम अपनी हिस्ट्री पढ़ते आ रहे हैं उसके मुताबिक तो हमें यही पता है कि इन्होंने वोटिंग करवाई थी, उसके बाद जम्मू कश्मीर उनके पास चला गया और आज़ाद कश्मीर का हिस्सा हमारे पास आ गया। हमारी किताब में, तारीख की किताब में ये लिखा हुआ है कि जब डोगरा राजा ने पेपर साइन किए थे भारत के साथ, हमें ये पढ़ाया जाता है, और आवाम थी पाकिस्तान के साथ, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। डोगरा राजा ने पेपर ऑफ एक्सेशन उनके साथ साइन किए थे और लीगली अपने आप को इंडिया का पार्ट बता दिया था, फिर हमने अटैक करके ये हिस्सा हासिल किया था, ज़बरदस्ती अटैक करके, जो इस वक्त जिसको हमने आज़ाद कश्मीर का नाम दिया हुआ है, ये है ना डेवलप किया हमने उस आज़ाद कश्मीर को। हमने आज़ाद कश्मीर को तो, हम किसी भी शहर को डेवलप नहीं कर पाए जिस तरह से हमें करना चाहिए था, क्योंकि हमारी इकोनॉमी का बेसिक बात यह है कि हमारे पाकिस्तानी शहरी होने के खातिर कि हमें हमेशा दूसरों पर इल्ज़ाम नहीं देना, हमें सबसे पहले खुद को ठीक करने की जरूरत है। कश्मीर वाकई हमारी शहरक है, दिख रही है आपको शहरक?
दिख तो नहीं रही, कहते हैं बस वो कहते ही हैं, दिखती नहीं है। कितनी डेवलप है हमारा, कितना डेवलप है कश्मीर, आज़ाद कश्मीर, देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इंटरनेट वहाँ नहीं है, सिम वहाँ नहीं चलती, पानी दरिया वहाँ पर बहता है लेकिन पानी आबपाशी के लिए उनको नहीं मिलता, बिजली उनको नहीं मिलती, स्कूल्स के हालात इतने ख़राब हैं, आप जाकर उनकी किताबें देख लें, आप जाकर उनके स्कूल्स देख लें, मैं पर्सनली विजिट करके आई हूँ, आप यूनिवर्सिटीज़ देख लें, कॉलेजेस देख लें, तो क्या दे रहे हैं हम, किस मुँह से हम कश्मीर डिमांड कर रहे हैं, आई डोंट नो। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तान का हमेशा से मौकफ रहा है कि वो कहते हैं कि हम कर लेंगे लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाता, कुछ भी। इंडियन कश्मीरी किस हाल में है या इंडिया की सिचुएशन क्या है कश्मीर? आई थिंक इंडिया की कश्मीर की जो सिचुएशन है वो बहुत अच्छी है क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी ने बहुत तेज़ी से तरक्की की है और पाकिस्तान से ज़्यादा जो इंडियन, हालांकि इंडियन में गुर्बत पाकिस्तान से ज़्यादा है लेकिन इंडिया जो है बहुत ज़्यादा तेज़ी से तरक्की कर रहा है पाकिस्तान की निस्बत। तेज़ी से तरक्की कर रहा है, IMF ने ये भी रिपोर्ट पेश कर दिया कि पाकिस्तान ज़्यादा गुर्बत कमा रहा है। क्या हुआ अब बताएं, कश्मीर पे हमारा क्या मौकफ होगा? कश्मीरी हमसे इतना तंग क्यों कह रहे हैं, इंडियन पासपोर्ट दो? क्योंकि पाकिस्तानी उसको वो फैसिलिटीज नहीं दे रहे, शायद वो इंडिया दे रहा है उनको इस वजह से। थैंक यू सो मच। लेकिन इन्होंने पाकिस्तान ने बातचीत तो जब से ये नई सरकार ने पाकिस्तान में हल्फ लिया तब से उठाई हुई है, कभी उसके मुंह से कहलवाते हैं, कभी उसके मुंह से कहलवाते हैं। अच्छा फिर वो इनका मामला पाकिस्तान वालों का ये भी होता है जैसे खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाला मामला, जब भारत की तरफ से किसी किस्म का ऑफिशियल रिएक्शन नहीं आ रहा तो फिर ये क्या करते हैं कि फिर कल ही वो पाकिस्तान की जो फॉरेन मिनिस्ट्री की स्पोक्स पर्सन है मिस बलोच, उन्होंने कह दिया नहीं 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 नहीं, हम तो कोई ऐसी कोशिश नहीं कर रहे ना हमारी कोई ऐसी तमन्ना है, जब तक भारत 2019 5 अगस्त के कश्मीर के आर्टिकल 370 को वापस नहीं करता। अच्छा एक तरफ से ये पानी टेस्ट करते हैं, दूसरी कुछ पॉलिटिशियंस बात कर देते हैं, जैसे आपने कहा कि इसहाक डार साहब ने वाजे तौर पर कहा था कि हम चेक कर रहे हैं कि हमारे साथ बिजनेसमैन राबता कर रहे हैं कि भारत के साथ ट्रेड खोलो। अच्छा दो मुल्कों के या दो अफराद के बीच में कोई भी मामला हो उसमें कोई वन वे ट्रैफिक तो नहीं होती कि आप ही सब कुछ अपना सवाल क्रिएट करें, खुद ही जवाब दें, खुद ही उसका रास्ता ढूंढे, जिसके साथ आपने काम करना है उसकी तरफ से भी तो कोई हाना होनी चाहिए ना, तो उनकी तरफ से खामोशी है, वो उस खामोशी का मकसद है ना है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अभी मैंने परसों ही एक शो किया है जिसमें मेजर गौरव आर्या मेरे साथ थे, मेजर गौरव आर्या हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरे बहुत भाइयों की तरह हैं और वो मतलब भारत के जो मामला है उनको बहुत डीपली समझते हैं, तो मैंने उनसे यही सवाल किया, मैंने कहा मेरे साहब सरकार की तरफ से तो हमें भारत की सरकार की तरफ से तो कोई जवाब नहीं आ रहा, पाकिस्तानी अपने तौर पर ही उछले जा रहे हैं, कुछ हमारे अमरीका में दोस्त बैठे हुए हैं, मैंने उनका रेफरेंस दिया, मैंने कहा तारण साहब अभी अमरीका वो भारत गए हुए थे तो उन्होंने कहा जी भारत की सरकार में बहुत विलिंगनेस है बातचीत करने की, तो मेजर साहब ने कहा मैं आपको बता दूं No, there is no chance. उन्होंने कहा सर किसने कहा कि भारत की सरकार में है विलिंगनेस? अतारट साहब ने सलीम साफी को एक इंटरव्यू देते हुए कहा। अच्छा कि भारत की सरकार के अंदर लोग बैठे हुए हैं जिनमें विलिंगनेस है। मैंने उनका वो क्लिप भी अपने शो में चलाया और मेजर साहब से पूछा कि मेजर साहब ये है पाकिस्तान के मुख्तलिफ, कोई वजीर खारजा कह रहा है, कुछ तारट साहब ने एक स्टेटमेंट दे दी भारत के दौरा पे बेस करते हुए, तो उन्होंने कहा कि मुझे इन बातों से कोई सरोकार नहीं है, मुझे सिर्फ इतना पता है कि ये सब कुछ पाकिस्तान खुद ही कर रहा है, भारत की तरफ से इसका कोई इम्कान नहीं है। उन्होंने मेजर गौरव साहब ने एज एन एनालिस्ट ये बात की। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आपने देखा कि पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है कि पाकिस्तानी फौज ने जिस भारत के एरिया के ऊपर कब्जा कर रखा है, यानी कि POK के ऊपर जो गैर कानूनी कब्जा पाकिस्तानी फौज ने जमा रखा है, वहां से अब यह आवाजें उठनी शुरू हो गई हैं कि भाई हमें पाकिस्तान से आजादी चाहिए, हमें भारत के साथ मिलना है, हमें भारत का पासपोर्ट चाहिए, हमें भारत की पहचान चाहिए। जिस तरह भारत आजकल तरक्की कर रहा है उनको भी इस तरक्की की खुशबू आ रही है, उनके अंदर भी अब यह लालसा पैदा हो रही है कि हमें भी भारत के साथ मिलना चाहिए। और जिस तरह आज भारतीय कश्मीरी गर्व के साथ कहते हैं कि हम भारतीय हैं और हमारे पासपोर्ट की इतनी इज्जत है, हमारे देश की इकोनॉमी 5वें नंबर पर है और 5वें से 3रे नंबर पर जाने वाली है, हमारे देश के खजाने में $700 बिलियन इस समय पड़े हैं और भारत की जो प्रोग्रेस है इस प्रोग्रेस को देखते हुए POK के लोग भी अब ये बोलने पर मजबूर हो गए हैं
कि भाई हमें भारत का पासपोर्ट दे दो, हमें भारत की पहचान दे दो। तो इसके ऊपर पाकिस्तान के कुछ लोग इस तरह की बातें करते हैं जो उनको बचपन से सिखाया गया है, जो कश्मीर के ऊपर चूरन उनको चटाया गया है कि भाई भारत तो कश्मीर के ऊपर बहुत जुल्म कर रहा है, भारत की फौज ने तो वहां पर कब्जा कर रखा है, वहां पर तो कर्फ्यू लगे हुए हैं, वहां पर तो कोई बाहर नहीं निकल सकता। तो ये लोग इतने जाहिल हैं कि बोलते हैं कि हर घर के बाहर चार फौजी खड़े हैं। भाई इतनी वेली फौज भारत के पास कहां से आ गई? और अगर कश्मीर में इतनी ही बंदिश है तो जो प्रोग्रेस कश्मीर में इस समय हो रही है वो कैसे हो रही है? पाकिस्तान के मेनस्ट्रीम मीडिया पर उसके ऊपर रोज स्पेशली एक सेगमेंट चलता है जिसको ये लोग कश्मीर न्यूज बोलते हैं या कश्मीर नामा कुछ इस तरह से नाम है उस प्रोग्राम का। ये लोग हमेशा उसके ऊपर इस तरह का प्रोपेगेंडा चलाते हैं। उसके ऊपर आज भी 1998 की, 1990 की, 1985 की, तब की वीडियोस निकालकर चलाई जाती हैं जब वहां पर पत्थरबाजी वगैरह होती थी। इनके यहाँ आज की तारीख में कोई प्रोटेस्ट करके दिखा दे इनकी फौज उनका क्या हाल करती है, वो इन्होंने 9 मई को देख लिया था जब इमरान खान की पार्टी के लोगों को किस तरह से उन्होंने इनकी औरतों को भी नहीं छोड़ा था। वो तो इनकी अपनी औरतें थी ना, खुद इनकी वो औरतें भी मुसलमान थीं, ये भी मुसलमान थे, उनमें तो मुस्लिम काफिर का कोई फर्क नहीं था। तब इनकी फौज ने किस तरह बिहेव किया था, उनको किस तरह से कंट्रोल किया था, ये इनको शायद भूल गया है। और जो पाकिस्तानियों को बचपन से सिखाया गया है कि कश्मीर हमेशा से पाकिस्तान का हिस्सा था, भारत ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया, भाई ये जो प्रोपेगेंडा पाकिस्तानियों ने बनाया है ना, इस प्रोपेगेंडे का दम वही निकल जाता है कि जब ये पूछा जाता है कि भाई पाकिस्तान का तो जन्म ही 1947 में हुआ, उससे पहले तो पाकिस्तान का नामो निशान तक नहीं था, लेकिन कश्मीर वहीं का वहीं था, कश्मीर हजारों सालों से पूरा जो यूनाइटेड इंडिया है उसका हिस्सा था। तो ये लोग किस तरह से बोल सकते हैं कि कश्मीर हमेशा से पाकिस्तान का था? कश्मीर की जो पूरी हिस्ट्री है ना, वो पूरी की पूरी भारत के साथ ही जुड़ी हुई है। कश्मीर की जो राजधानी है जिसको हम श्रीनगर बोलते हैं, वो श्रीनगर का नाम किस तरह से पड़ा, ये भी इनको पता है या नहीं पता है? पाकिस्तानियों की तरफ से जाहिल पने के अलावा आप किसी चीज की उम्मीद नहीं कर सकते। जब इनको सामने से फिर जवाब दिया जाता है तब इनकी बोलती बंद हो जाती है, फिर ये लोग दूसरी तरफ चल पड़ते हैं कि भाई हमारे तो पूरे पाकिस्तान में ही हालात बुरे हैं, तो हम कश्मीर के हालात किस तरह से सुधार दें? तो भाई अगर तुम्हारे देश के हालात इस तरह के हैं, तुम्हारी अपनी हालत बदतर हो चुकी है, तो फिर तुम लोग किस मुंह से जाकर यूएन में चिल्लाने लगते हो, किस मुंह से तुम लोग खेसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बातें करने लगते हो? पाकिस्तान के लोगों को नॉलेज की बहुत कमी है, इनके लोगों को पढ़ने लिखने से बहुत दूर रखा गया है, इनके लोगों को पहले तो पढ़ने की जरूरत है, ये लोग पहले तो अपना पढ़ाई में ध्यान दें। जो धर्म के आधार पर ये लोग बंटवारे करते हैं, इन चीजों से इनको हटना पड़ेगा, इन चीजों से इनको ध्यान हटाकर पढ़ाई में ध्यान लगाना पड़ेगा, तब जाकर इनकी कोई प्रोग्रेस हो पाएगी, वरना जहां पर ये लोग अब हैं, ये लोग इससे भी नीचे जाने वाले हैं और इनके हालात बहुत बुरे होने वाले हैं। बाकी दोस्तों, पीओके के लोगों को भारत की नागरिकता देनी चाहिए, उनको भारत के पासपोर्ट देने चाहिए या नहीं देने चाहिए, ये हमारी सरकार डिसाइड करेगी, और ये चीजें कब और कैसे करनी है ये भी मोदी जी डिसाइड कर लेंगे। हमें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, हमें बस मोदी जी को सपोर्ट करना चाहिए, इसके अलावा हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। बाकी दोस्तों, आपका इस वीडियो के ऊपर क्या विचार है, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।